हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भूमिका दर क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश अल्फाबेट और मेरा नाम है भूमिका जाट और मैं आप सबको इंग्लिश अल्फाबेट आज पढ़ाऊंगी। चलो शुरू करते हैं। ए ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी C for cake, D for dog, E for elephant, F for fish, G for grapes, H for hen, I for ice cream, J for jug, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for orange, P for peacock, Q for queen, R for rose, S for sun, T for tiger, U for umbrella, V for van, W for watch, X for Xmas, Y for yak, Z for zebra। तो चलो बच्चों, इसको हम एक बार और समझते हैं और पढ़ते हैं। ए यानी कि खाने वाला सेब, बी फॉर बॉल खेलने वाली बॉल, सी फॉर कैट मतलब कि बिल्ली, डी फॉर डॉग यानी कि कुत्ता मतलब कि अपने घर के बाहर होते हैं वो डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश मतलब कि फिश यानी मछली, G for grapes मतलब कि खाने वाला grapes मतलब कि अंगूर, H for hen, I for ice cream गर्मी में खाने वाली ठंडी ठंडी ice cream, J for jug मतलब कि पानी लेने वाला jug, K for kite मतलब कि पतंग मतलब कि अपन उड़ाते हैं वो वाली पतंग, L for lion मतलब कि शेर, M for monkey यानी कि बंदर, N for nest मतलब कि घोंसला होता है ना, घोंसले को ही नेस्ट कहते हैं इंग्लिश में, O for orange, P for peacock, Q for queen मतलब कि रानी, R for rose यानी कि गुलाब का फूल, S for sun मतलब कि सूरज दादा मतलब कि अपन उसको सूरज कहते हैं मतलब कि छोटे बच्चे उसको सूरज दादा भी कह सकते हैं, टी यानी कि टाइगर, यू फॉर अम्ब्रेला मतलब कि बारिश आती है तब अपन ऐसे पकड़ के चलते कहीं पर जाते तब, वी फॉर वैन मतलब कि अपन को स्कूल ले जाने वाली वैन, डब्ल्यू फॉर वॉच मतलब कि अपन वॉच पहनते ना टाइम देखने वाली वही वॉच, एक्स एक्स फॉर एक्समस
मतलब कि क्रिसमस पर सजाने वाला क्रिसमस ट्री। वाई वाई फॉर याग, जेड जेड फॉर जेबरा। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। यदि आपको हमारा चैनल इतना पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, अपनी शुभ्रा, थैंक यू।